इधर इधर गोल गोल घूमो। बस वैसे कर दो इधर मेरी तरफ देख के। मेरा बच्चा कितना प्यारा है। मैंने सिखाया है ऐसे डांस सिखाया है मैंने। पाशु ऐसे 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 प्यारा कौन है? कौन है? मेरे पापा। मेरे पापा चला दो। मेरे पापा चला दो। Fantastic feeling, I cannot express my words. Words में मैं अपनी feelings को नहीं express कर सकती। जब मैं feel करती हूँ ना माशा के लिए, I will like वो मेरी सब कुछ word मुझे वैसे हरकतें करती है ना, इतनी अच्छी feeling आती है। तो उसको ये गाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं उसे काफ़ी सारी चीज़ें अब सुनाती रहती हूँ। तो पापा मेरे पापा वाले गाने में वो डांस करती है, मैंने उसे डांस स्टेप्स के सिखाए हैं। मुझे डांस अच्छा लगता था तो मुझे लगता है मैं माइशा को भी चाहूँगी कि डांस वो करे, मतलब उसे अच्छा लगता है। तो गाइज वेलकम बैक। बहुत टाइम के बाद मैं आपको व्लॉग कर रही हूँ। ये शैसेस लेबल की एक ड्रेस मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ। शैसेस लेबल पर काफ़ी सारी न्यू आउटफिट्स आ चुके हैं, अभी मुझे शूट करने हैं। कुछ लिपस्टिक्स आई हुई हैं नई चामी सी मिलानों की, तो मैं उनके ऊपर एक रील शॉर्ट्स व्हाइटी शॉर्ट्स और रील कुछ भी कह लो वो शूट करने जा रही हूँ। शूट मंकी है बाहर, ले जाके पोज दो। गो गो पोज दो। स्माइल, खड़ी रहना है, स्ट्रेट रहना है। यहाँ पे फोटो नहीं खिंचवाएगी, जल्दी खड़ी हो जाओ। मैशा खड़े हो? मैं आपकी फोटो देखूं? मेरी फोटो देखोगी? ये देखो मैशा, ये देखो, ये देखो आज की फोटो। जल्दी जाओ वहाँ पे खड़ी हो जाओ। बोल रही हूँ इसमें आपके कपड़े हैं, आपके न्यू इनर्स हैं बेटा। बहुत क्लियर अब बोलती है ना, तो उतलाती है ऑब्वियसली, बट बहुत अच्छा बोलती है। पूरे दिन मैं बात कर सकता हूँ, कौन सा वाला आपको पसंद आया है? देखा इसने ये बोला है, ये मेरा पसंद है, ये आपको पसंद आया। मेरे को ब्लैक पसंद है। मैं ले लूँ ब्लैक? बट बेबी ये तो आपका है। ये कल मैं यूनिक्लो गई थी संजोग के साथ, एक इवेंट था लिनेश का, तो उसके बाद फिर हम यूनिक्लो गए। मेरे को अपने लिए तो कुछ नहीं लेना होता, ऑनलाइन शॉपिंग बेटर है। मायशु के पर मुझे थर्मल्स और इनर्स लेने थे, और ये ना ये इतना पतला है कि मेरे हैंकी से भी ज्यादा पतला है, और ये इतना गर्म है कि जो मोटे वाले थर्मल आते हैं ना उनसे ज्यादा गर्म है। अरे बहुत पतला यार, बहुत ही ज्यादा। बच्चे मतलब इतने कंफर्टेबल फील करेंगे, पजामे से भी पतला ही है। शादी थी ना प्रियांशु की, तो उस टाइम पे मैंने मायशु को अंदर इनर में ब्लैक पहनाया था, और मायशु को बिल्कुल ठंड नहीं लगी थी। वही मैं वो भी यूनिक लोग था, वही था, बहुत अमेजिंग है। देखो खुश हो गई मायशु। ये टॉप मेरा है कि आपका है? आपका है। मम्मा को नहीं दोगी? मेरा ये तो खाली डब्बा है। ये मुझे दे दोगी? आप ये अभी पहनोगी? कि एक हमेशा विशलिस्ट रहती है जो कि ये कभी पूरा नहीं करती, क्योंकि मायशु घर बार इन सब में फंस जाती है। उसका बहुत मन करता है, और मैं कहता हूँ कि यार बहुत कुछ कर लिया, ठीक है अपने लिए भी थोड़ा बहुत कर लिया करो। आप लोगों को ऑन कैमरा लगता होगा कि ये बहुत करती है अपने लिए, पर इसको ना ये लगा लो कि अब तक ये इसके सारे फ्रेंड्स लेकर एलवी लेके घूमता है। इसको एलवी लेना बहुत पसंद है, पर ये लेना चाहती है, और मैं इसको बहुत दिन से फोर्स कर रहा हूँ, 2 महीने से 3 महीने से, नहीं तो गिफ्ट ले लो कैसे भी कर लो, पर ये लेके राजी नहीं है। एलवी कहती है नहीं इतनी महंगी मैं नहीं लूंगी अभी, और मैं इसे पिछले यकीन मानो 1 हफ्ते से इसको इतना प्रेशर दे रहा हूँ लेने के लिए कि ले लो यार, ठीक है यार सबके लिए करती हो अपने लिए भी करना चाहिए। अब आपको कैमरे पे हमने देखा नहीं, हर चीज कैमरे पे दिखाई नहीं जाती है। ले लो ले लो। विशलिस्ट बताओ अपनी क्या क्या, चलो बताओ। नहीं हर लड़की रिलेट कर सकती है, ये विशलिस्ट बताओ कि आपका क्या क्या है। चलो विशलिस्ट में कमाती हो तो फिर ले सकती हो। मैं कमाती हूँ मैं मान रही हूँ, बट पता नहीं क्यों मुझसे यार फैमिली है, हाँ सब है, इन्वेस्टमेंट्स हैं। एक बहुत प्यारी चीज है जो मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी, बस वो मुकम्मल हो जाए, आई एम वेटिंग फॉर दैट। इसलिए थोड़ा मैं कुछ हाथ समेट रखे हैं चीजों को लेकर। बट हाँ मैं सबसे पहले मैं गुची का बैग, डियोर का बैग, एलवी का बैग, मुझे बैग्स और वॉचेस का बहुत शौक है, मैं लेना चाहती हूँ, बट पता नहीं क्यों मैं लेती नहीं हूँ। पर हो सकता है मैं एक बहुत सनकी इंसान भी हूँ, इंस्टेंट चीजें ले लेती हूँ। ये लगा लो, 1 महीने से ये कह रहा हूँ कि कोई वॉच हो विशलिस्ट कर रखी हो मुझे भेज दो, मैं इसे स्पेशली शॉपर स्टॉप्स लेगा, वहाँ पे हमने कम से कम हजारों घड़ियां खोल दी, पर इसको बहुत चूजी उस चीज में, इसको पसंद नहीं आई। किस तरह मैं देखती हूँ, एक तो ये ना खर्च करती है और ना मेरे को करने देती है। करती हूँ कभी कभी। और ऐसी बीवी किस्मत वालों को मिलती है।
मैं फाइनली 8 दिन के बाद व्लॉग कर रही हूँ और 9वें दिन या 10वें दिन यह व्लॉग लाइव होगा। मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मिस कर रही थी और मैंने बहुत अच्छा लंबा रिलैक्स ले लिया। मैंने मिनी व्लॉग्स बहुत सारे शूट करके रखे पर एडिट करने का टाइम नहीं है। आई वॉज एडिक्टेड टू टर्किश ड्रामाज अभी और मैं रात के 4 बजे तक वो ड्रामाज देख रही थी। मैं कह रही थी क्या हो गया है मुझे ना, कैन यमन नाम है, हैविंग दिस बीटरूट कैरेट आंवला और क्या खीरा, खीरा डिटॉक्स में अच्छा होता है तो मैं आजकल मॉर्निंग में ये ले रही हूँ फॉर माई स्किन, फॉर माई ओवरऑल हेल्थ। बट मेरी स्किन में जो मेलाज़मा के बड़े बड़े दाग हैं जो कि ओवर इयर्स बढ़ गए हैं, उनके ट्रीटमेंट मुझे फाइनली कराना पड़ेगा। पहले भी कराया है, फेड हो जाते हैं, बट मुझे लगता है मेलाज़मा का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक। क्रीम्स आप जो लगाते हो जो कि रिजल्ट देते हैं आपको, वो बाद में और वर्स्ट तरीके से मैंने फील किया है कि बढ़ जाते हैं। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा लाइट्स की वजह से, बट रियल लाइफ में यहाँ पे मेरे मेलाज़मा के दाग हैं, यहाँ मेलाज़मा, यहाँ मेलाज़मा। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा थिन है, एज यू कैन सी माई वेन्स, मेरी वेन्स इतनी पतली है, मेरी स्किन की लेयर बहुत थिन है। इस वजह से बहुत जल्दी मेरी स्किन में कोई भी चीज़ उभार आती है या फिर कहोगे बर्न हो जाता है। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि बहुत माइल्ड स्किन केयर यूज़ करूँ, बट फिर भी स्किन थिन है तो ये तो बाय बर्थ हो गया, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बस आई लव यू मैशू, मैशू मेरी तरफ देखो, आई लव यू बोलो। अच्छा आप इनसे प्यार करती हो? कितना प्यार? बहुत सारा। करके दिखाओ ना, करके दिखाओ। बहुत सारा। ठीक है, आप लोगों से माशा मेरी बहुत सारा प्यार करती है। A few hours later. दिल्ली में ठंड बढ़ चुकी है गाइस, इट्स अपडेट। 5 डिग्री स्टार्टिंग तक पहुंच रहा है। नहीं भाई, एसी नहीं है, 22 पे टेंपरेचर रखा है गाड़ी का। तैयार होके निकल गए हैं हम लोग, आज हम जा रहे हैं वेस्ट दिल्ली। वेस्ट दिल्ली जा रहे हैं हम, और हम रहते हैं साउथ दिल्ली में। क्लिनिक को जाना है आज, एक मेरे स्किन कंसल्टेंसी भी है और ट्रीटमेंट भी है मेलाज़मा के लिए। फाइनली मैंने सोचा कि फिर से एक दूसरा स्टेप लिया जाए। ऐसे बहुत स्टेप्स ले चुकी हूँ मैं, बताया मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हुई है। पहले जो मैंने शादी से पहले लिया था वो वर्थलेस, वेस्टलेस, सब कुछ था, वो वेस्ट था, वेस्ट ऑफ मनी, कुछ नहीं हुआ था मेरा। तो अभी जो मैं जा रही हूँ, फेस एस्थेटिक, इंस्टाग्राम पे मैं उनका पेज मेंशन कर दूंगी, इंस्टाग्राम का पेज है जो उनका, वहाँ जा रही हूँ। आज मेरी स्किन कंसल्टेंसी होगी एंड देन फिर हम प्रोसीजर जो है वो देखेंगे। उन्होंने बोला है कि दो तरीके के ट्रीटमेंट है, एक में आपको मतलब उन्होंने कहा 100% रिजल्ट किसी का भी नहीं होता, वो भी बहुत ट्रांसपेरेंट थी, बट हाँ काफ़ी हद तक आपका वो फेड हो जाएगा। और अगर आप टेक केयर करोगे अपनी स्किन की, जिसके धूप से बचा के रखोगे तो स्किन बेटर रहेगी। चलो जब तक बुढ़ापा पूरी तरीके से नहीं आता, बचा रहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं हो जाऊंगा 29 का, देख रहे हो? कोई बात नहीं, तुम बड़े दिखते हो, मैं छोटी दिखती हूं। मैं नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है। आज कितनी तारीख है? जर लास्ट की तारीख है, आज 20 हो गई, 21 है, आज 21 है, एक महीना है मेरे बर्थडे को, एग्जैक्टली एक महीना। और ये सब छोड़ो, लास्ट के कुछ महीने में ना एक साथ ही सारे इवेंट एक साथ ही आते हैं लास्ट के महीने, तो जेब खाली हो चुकी होती है अपने इवेंट तक पहुंचते पहुंचते। खैर अब इतना तो हम नहीं करते, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप करूं, मेरा ड्रीम बहुत पहले का है। मेरे बर्थडे पे, मेरे बर्थडे पे पासपोर्ट्स नहीं बने हैं, मेरे बर्थडे पे, क्यों? मेरी वजह से नहीं बने, गलती मेरी हुई थी, मेरे पासपोर्ट में गलत दिक्कत आई थी, इस वजह से हम लोग नहीं कर पाए, नहीं तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ घूम चुकी होती। मेरे को घूमना वैसे भी बहुत पसंद है। क्या अकेले नहीं जा सकते ना, यही प्रॉब्लम है, शादी कर ली है ना मैंने, अपने पति को मैंने कमिटमेंट कर दिया, जल्दी ट्राई कर रहे हैं हम, ये बहुत साल से बोल रहे हैं, बट जब तक मैं करेंगे नहीं, मैं हो नहीं सकता। खैर चलो चलते हैं फेस एस्थेटिक पे और आपको मिलवाती हूँ मैं वहाँ पे मिस नोरा से। कुछ लगाया था क्योंकि कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, स्किन ट्रीटमेंट करना है, कॉस्मो प्लान ट्रीटमेंट है तो फेस को क्लीन करना है, डबल क्लीन, सिर्फ ब्राउज़ है, मस्कारा है एंड लिपा एंड फेस पे सनस्क्रीन है, तो उसे भी क्लीन करना है, बिल्कुल बेयर फेस होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द ट्रीटमेंट। आई एम एट होम, अभी रात के 7:30 बज रहे हैं और मैं ऐसे ही बैठी हुई, क्योंकि मुझे ऐसे ही बोला है तो मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ। और मायशु को मैंने कहा थोड़ी देर वो कार्टून देखेगी, देखो मुझे, देखो ऐसे मुझे देखो, प्यार से देखो, प्यार से देखो। मैंने इसे प्यार से देखना सिखाया था, मैंने बोला ऐसे करेंगे मायशु, प्यार से देखेंगे,
तो ये ट्राई करेगी, देखो देखो आयशु मुझे प्यार से देखो, मुझे देखो प्यार से, कैसे सिखाया था मम्मा ने। लगी मेरी मायशू को चोट लग गई, दिखाओ ये देखना, मायशा ने बेड पे मार लिया, जो लकड़ी का बेड था उस पे इसको चोट लग गई है, अभी तो ये रिलैक्स हो गई है, थोड़ी देर पहले लगी। हाँ मेरा बहुत समझदार बच्चा, ये आइस पैक है, ऐसे नहीं करना है मायशू, लाओ मुझे दो। बहुत अच्छे समझदार है, इसमें मैंने आइस पैक डाला हुआ है, उससे सिकाई करने से इसके रेडनेस भी बैठ जाएगी, स्वेलिंग भी बैठ जाएगी, तो खुद से करने की कोशिश करिए। बहुत बहुत स्ट्रांग है मेरा बेटा, बहुत स्ट्रांग है, जितने बच्चे स्ट्रांग है मायशू आप कितने स्ट्रांग है, ऐसे स्ट्रांग करके दिखा दो, बोल दो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आप सब भी स्ट्रांग बन जाओ। पहले इसको इसको करेंगे सेक, ठीक है, चलो करवाओ, वेरी गुड, मेरा बहुत प्यारा बच्चा, चोट लग गई थी, दिखाओ मामा को, देखो मामा को देखो, मेरे बच्चे को चोट लग गई थी, मम्मी को मैं खोदू। पकड़ो 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 पकड़ो, हाँ इसमें लगा दूं, नहीं इस, वो देखो कितनी क्यूट है वो। The next day. आज है next morning, सुबह के 11:30 बज रहे हैं, so I thought कि मैं एक अपडेट आपको दे देती हूँ, and this is my face right now. Red, उन्होंने मुझे जैसे कल बताया था कि फेस 2 दिन तक रेड रहेगा और 2 दिन के बाद स्किन पील होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो जहाँ जहाँ उन्होंने क्रीम लगाई थी सब रेड हो गया और हल्का सा फेस स्वेल है और गर्म भी लग रहा है मुझे, ऐसा थॉट आपको मैं दिखा देती हूँ अभी कैसा लग रहा है। और एक हफ्ते के बाद जो दूसरा व्लॉग होगा उसमें आप देख पाओगे, अगर आपको बाकी अपडेट्स देखने हैं कि स्किन डे बाय डे कैसी रिकवर हो रही थी या रिजल्ट्स अच्छे आए हैं कि नहीं, अभी तो मेरे को दाग दिख रहे हैं पूरे पूरे क्लियर, जो मेरे मिलाजमा के स्पॉट्स या फ्रिकल्स थे, उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को चेक कर सकते हो, क्योंकि मैं वहां पे पूरी पूरी वीडियो स्टोरी अपडेट देती रहूंगी। ये है कॉस मील प्लान जो मैंने करवाया है, ये सेफेस्ट ट्रीटमेंट है फॉर दिस मिलाजमा, क्योंकि मैंने इसके बारे में पूरे अच्छे से पढ़ लिया था और इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लोग मुझे कमेंट में आके डेफिनेटली लिखने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं एज सच तो उसमें अभी तक जितने ट्रीटमेंट है उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, किसी को साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, दिस इज अ प्लांट बेस्ड ट्रीटमेंट, सो इसलिए ही इस पे गई हूं मैं, एंड यस आई विल शेयर माय बाकी रिव्यूज, अभी फिलहाल मैं जा रही हूं ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पे एंड कर रही हूँ, खैर इट्स लाइक अपडेट काइंड ऑफ थिंग, तो मैंने सनस्क्रीन लगाया हुआ है यहाँ पे, मैं भी और सनस्क्रीन लगाऊंगी थोड़ी देर बाद, बस मुझे मॉइस्चराइजर बोला है, एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर स्किन में लगाना है, क्योंकि स्किन को ड्राई करके पील करना स्टार्ट कर देगा इस वजह से, और सनस्क्रीन बहुत बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, सनस्क्रीन में लगा चूंकि उठते ही लगा ली थी मैंने मॉइस्चराइजर के बाद, और धूप में नहीं जाना, और खाना जहाँ पे हीट ज़्यादा निकल रही है वहाँ नहीं जाना, गर्म हॉट बाथ सोना बाथ ये सब नहीं लेने, इंस्ट्रक्शन काफ़ी सारे थे, तो इसलिए भी एक हफ्ते के लिए साइमा घर पर है, शाम के टाइम में निकल सकती हूँ और या फिर मैं 3-4 दिन के बाद निकलूंगी, बट आई विल अपडेट यू एवरीथिंग गाइज, सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट व्लॉग में बने रहो, नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपडेट दे दूंगी आपको इसका, सो अभी के लिए फिलहाल व्लॉग को एंड करते हैं, एंड आई होप अच्छा लगा हो, बट प्लीज़ कोई ऐसे नेगेटिव कॉमेंट्स नहीं करना, आई नो मेरी स्किन है, मेरा फेस है, मुझे बहुत ज़्यादा बेहतर पता है, और मैं अच्छा डिसीजन ही लेना चाहूँगी अपने फेस के लिए, क्योंकि चेहरे से तो कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं देता है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के गई हूँ, और मैं आपके साथ डेफिनेटली रिजल्ट शेयर करूँगी। Bye, don't forget to like, share and subscribe, because अभी इस vlog में ऐसा कुछ खास नहीं था, but next vlog में आपको दिखाऊंगी मैं।